बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाहजहां पार्ट 26। 28 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे के करीब पहुंचा और दाराबाग में 18 दिन मुकीम रहा। फिर 4 फरवरी को उसी मकाम पर शाहजहां की ताजपोशी हुई। जब शाहजहां के सर पर ताज जरनिगार रखा जा रहा था, उस वक्त उसे मुबारक शाह कलंदर बहुत याद आ रहा था। अचानक शाहजहां रुक गया और अपने खिदमतगारों को हुक्म देते हुए बोला, मेरी ख्वाहिश है कि मुबारक शाह कलंदर भी ताजपोशी की इस तकरीब में शरीक हों। उसके साथ ही कई खिदमतगार घोड़ों पर सवार होकर फतेहपुर सीकरी की तरफ दौड़ पड़े। शाहजहां के खुद्दाम ने मुबारक शाह को बहुत ढूंढा, मगर दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं था। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार के कुर्बो जवार में रहने वाले फकीरों ने शाही खिदमतगारों को बताया, मुबारक शाह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो अपनी झोंपड़ी में मौजूद नहीं था। गदागर आखिर मुबारक शाह के बारे में क्या बताते कि नूरजहां ने उसे रात की तारीकी में गिरफ्तार करा के कैद खाने में डाल दिया था। शाही खिदमतगार नाकामो नामुराद वापस लौट आए। कलंदर के गायब हो जाने की खबर सुनकर शाहजहां उदास हो गया था। कलंदर को शहर बदर तो नहीं कर दिया गया, शाहजहां ने सोचा। उसकी जलावतनी के जमाने में कहीं कलंदर को कत्ल ना कर दिया गया हो। मरहूम शहनशाह जहांगीर हमेशा मुबारक शाह से नाराज रहता था। कहीं हुक्मरान के इशारे पर किसी जल्लाद ने कलंदर को जिंदगी की कैद से आजाद ना कर दिया हो। शाहजहां के जहन में मुख्तलिफ अंदेशे सर उभार रहे थे। मजबूरन उसने ताज अपने सर पर रखा, लेकिन शाहजहां के दिल में यह हसरत करवटें लेती रही कि काश मुबारक शाह भी ताजपोशी की इस तकरीब में शरीक होता। जब शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था तो उसकी अजीब कैफियत थी। वो बार बार उस फरमाने इलाही को जेर लब दोहरा रहा था, खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर शय पर कादिर है और सारे जहानों का मालिक है। ताजपोशी के बाद शाहजहां दीवान खास में पहुंचा। यहां तमाम उमरा ने अपने शहनशाह को हसब इस्तात कीमती नजरें पेश की। फिर दीवान खास से उठकर शाहजहां हरम सरा में दाखिल हुआ। वहां अर्जमंद बानो जहां आरा और दूसरी खवातीन ने उसे घेर लिया। हर गोशे से मुबारकबादों का शोर उभर रहा था। सबसे पहले अर्जमंद बानो ने अपने शोहर को मुबारकबाद पेश की। शाहे वाला, मैं आपको क्या पेश करूं कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके शायाने शान हो, यह कहकर अर्जमंद बानो रोने लगी। शाहजहां ने बेकरार होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये तुम्हारा इंकसार है अर्जमंद बानो, वरना तुमने हमें वो तोहफा पेश किया है कि उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। आज जरो जवाहिर से भरे हुए खान हमारी नज़रों में बेहकीकत हैं। तुम्हारी रफाकत और मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती नज़र है। तुमने हमारी खातिर सारे ऐशो आराम ठुकरा दिए। हम उस वक्त को कभी नहीं भूल सकते जब हिंदुस्तान की ज़मीन हमारे लिए तंग हो चुकी थी। ऐसे संगीन लम्हात में बस एक तुम्हारी ही ज़ात ऐसी थी जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। काश हम भी तुम्हारी जान निसारियों का कर्ज अदा कर सकते, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें तमाम उम्र इस बात पर फख्र रहेगा कि हम तुम्हारी मोहब्बतों के मकरूज हैं। अर्जमंद बानो, हमने सब के कर्ज उतार दिए और जो बाकी हैं उन्हें भी अदा कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारा कर्ज उतारने की हिम्मत नहीं रखते। अर्जमंद बानो ने सर झुका दिया। शाहे वाला, ये कनीज कल भी अपनी किस्मत पर नाजा थी और आज भी उसे इस नस्बत पर फख्र है। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए कि जिंदगी के हर मार्के में आप सरबुलंद और सुरखरू रहें। शाहजहां ने तमाम बेगमात को कीमती तहाइफ दिए। आखिर में उसने अपनी बीवी अर्जमंद को 2 लाख अशरफियां और 6 लाख रुपए बतौर तोहफा पेश किए। इसके अलावा 10 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकरर किया। 8 लाख रुपए अपने बेटों और बेटियों के लिए मखसूस कर दिए। आखिर में शाहजहां ने एक और ऐलान किया जिसके मुताबिक अर्जमंद बानो को मुमताज महल खिताब दिया गया था। ये एक मुनफरिद खिताब था जिससे शाहजहां की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता था। उस मौके पर अर्जमंद बानो ने एक अदाए खास के साथ सरगोशी करते हुए कहा, शाहे वाला, आप तो मुझे इसी नाम से याद किया करें, मैं तो आपकी वही अर्जमंद हूं। नहीं, जब हम शाहजहां हो सकते हैं तो फिर तुम्हें भी मुमताज महल होना चाहिए, शहनशाह ने पुरजोश लहजे में कहा। हम चाहते हैं कि आने वाली सदियां भी तुम्हें इसी नाम से पुकारें। यह हमारा पसंदीदा नाम है,
जब हम जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे उसी वक्त हमने सोच लिया था कि अगर खुदा हमें इक्तदार बख्शेगा तो हम तुम्हें मुमताज महल कहकर आवाज देंगे। हमारी नजरों में तुम दुनिया की सारी खवातीन से मुमताज हो। जोश मुसरत से मुमताज महल की आंखें भीग गईं और वो धुंधली आंखों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। खवातीन की मौजूदगी के बावजूद मुमताज महल ने शाहजहां की आंखों को बगौर देखा। ये वही आंखें थी जिन्होंने अहदे नौजवानी में उसकी रातों की नींदें हराम कर दी थी। आज उन्हीं आंखों में मोहब्बत का एक नया समंदर मौजजन था। अब मुल्क के गोशे गोशे में शाहजहां के नाम के खुतबे पढ़े जा रहे थे। उसने अपने लिए अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरां सानी का लकब पसंद किया था। मुगल फरमा रवाओं में साहिब किरां अव्वल अमीर तैमूर को कहा जाता है। उसी नस्बत से शाहजहां ने साहिब किरां सानी का लकब इख्तियार किया था। अभी ताजपोशी का जश्न जारी था कि शाहजहां ने अपने वफादार उमरा और सिपाहियों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा और उनके दामन कीमती इनामात से भर दिए। सबसे बड़ा एजाज आसिफ खान को दिया गया। यही वो शख्स था जिसने बड़े तदब्बुर और हौसले से शाहजहां के इक्तदार के लिए एक तवील जंग लड़ी थी। आसिफ खान एक जहीन इंसान था। उसने हालात के नशेबो फराज का बगौर जायजा लिया और वक्त के तकाजों के मुताबिक शातिराना चालें चली। एक जमाना वो भी था कि जब आसिफ खान ने बज़ाहिर शाहजहां का साथ छोड़ दिया था लेकिन दरपर्दा वो अपने दामाद के इक्तदार के लिए राहें हमवार करता रहा। यहां तक कि उसकी गैर मामूली जहानत ने शाहजहां के तमाम हरीफों को रास्ते से हटा दिया। शाहजहां अपने खुसर की उस शफकत से बहुत मुतासिर था। नतीजतन उसने मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा मनसब आसिफ खान को बख्शा और उसके साथ ही चचा का खिताब भी दिया ताकि हर शख्स आसिफ खान का एहतराम कर सके। जब ताजपोशी के जश्न का हंगामा सर्द हुआ तो शाहजहां को इंतहाई शिद्दत से मुबारक शाह की याद आने लगी। आखिर मुबारक शाह कलंदर कहाँ चले गए, शाहजहां ने मुमताज महल को मुखातिब करते हुए कहा। वो मेरे सर पर ताजे जरनिगार देखना चाहते थे। जब उनकी ख्वाहिश की तकमील का वक्त आया तो खुद ऐसे गायब हुए कि अपने पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ा। शाहजहां बहुत परेशान नजर आ रहा था। ये मुबारक शाह कलंदर तुम्हें उस वक्त मलिका आलिया कहकर पुकारते थे जब तुमने इस मनसब के बारे में सोचा भी ना था। अर्जुमन भी अफसुरदा नजर आने लगी। आज मुझे भी उनकी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। ऐसा लगता है कि उनके ना होने से जिंदगी में कमी आ गई है। शाहजहां कई दिन तक परेशान रहा। आखिर उसने आसिफ खान से मशवरा करते हुए कहा, मुबारक शाह को कहाँ ढूंढा जाए। आसिफ खान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मशवरा देते हुए कहा, मुल्क के गोशे गोशे में ऐलान करा दिया जाए कि जो शख्स भी कलंदर का पता बताएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। ये एक मुनासिब मशवरा था जिसके नतीजे में शाहजहां के गुमाश्ते गली गली फिरने लगे और आम लोग उस शख्स को ढूंढने लगे जिसका हुलिया मुबारक शाह से मिलता था। आखिर एक दिन नूरजहां के वो मोतमद सिपाही शाहजहां के पास आए, उसके कदमों में गिरकर अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त की जिन्होंने मुबारक शाह को कैद करके एक खुफिया तहखाने में पहुंचाया था। अगर जिले इलाही हमारी जान बख्श दें तो हम मुबारक शाह का पता बता सकते हैं। सिपाही शाहजहां के कदमों से लिपटे जारो कतार रो रहे थे। हम तुम्हें माफ कर देंगे मगर खुदा के लिए हमें मुबारक शाह का पता बता दो, शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। जां बख्शी का हुक्म सुनकर सिपाहियों ने लरस्ती आवाज में कहना शुरू किया, शाहे वाला, हम मलिका नूर जहां के हुक्म पर मजबूर थे। हम ही वो बदनसीब हैं जिन्होंने मुबारक शाह को गिरफ्तार करके एक खुफिया तहखाने तक पहुंचा दिया था। शाहजहां जोशे इस्तराब में तख्त से उठकर खड़ा हो गया। अगर मैं तुमसे जां बख्शी का वादा ना कर चुका होता तो इस वक्त तुम्हारी लाशें फर्श पर तड़प रही होती। तुम सियाकारों ने एक पाकीजा इंसान को जो आजार पहुंचाए हैं मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जाओ, मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये कहकर शाहजहां उस खुफिया तहखाने की तरफ बढ़ने लगा जहां मुबारक शाह कलंदर कैद था। शाहजहां मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ उस तहखाने तक पहुंचा जहां मुबारक शाह कलंदर को कैद किया गया था। शाहजहां ने कलंदर की तरफ देखा और देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा कमजोर और शिकस्ता नजर आ रहा था। उसके जिस्म पर ताजियानों के बेशुमार निशानात थे, चेहरे पर भी कई जख्म मौजूद थे जो बज़ाहिर भर गए थे लेकिन फिर भी गहरे निशानात छोड़ गए थे। शाहजहां को देखकर कलंदर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नुमाया थी। आओ शाहजहां, आओ, कलंदर ने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा, तुम्हें खुदा की ये बेपनाह बख्शिशो अता मुबारक हो। शाहजहां ने आगे बढ़कर कलंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। बिलाखिर आपकी दुआएं रंग लाईं,
शाहजहां ने सर झुकाते हुए कहा, आपका ये खादिम शाहजहां हजार दुश्वारियों के बावजूद तख्ते शाही तक पहुंच गया। खुदा की यही मर्जी थी, कलंदर ने मुख्तसरन कहा। मैं उन दिनों को कभी फरामोश नहीं कर सकता जब आप एक कमजोर शहजादे को शाहजहां कहकर पुकारते थे और मसाइब में घिरे हुए एक इंसान के लिए इक्तदारे आला की पेशगोई करते थे। शाहजहां बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रहा था, आज तो सारी दुनिया शाह वाला और जिले इलाही कहकर पुकारती है, मगर आपकी तरह पुकारने वाला कोई नहीं। मुबारक शाह कलंदर मुस्कुराया, शाहजहां इसमें मेरा क्या कमाल है, इस लहजे के खलूस और मोहब्बत को मैं खूब पहचानता हूं। शाहजहां कलंदर के सामने कुछ और खम हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अदम मौजूदगी में आपको इतने आजार भी पहुंचाए जा सकते हैं। जो गुजर गई सो गुजर गई, कलंदर ने बेनियाजाना कहा। ये आजार मेरी तकदीर में लिखे हुए थे, इन्हें कोई नहीं टाल सकता था। आप उन लोगों के बारे में हुक्म दें जिन्होंने आपके जिस्म पर ताजियाने बरसाए हैं। शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, जिन लोगों ने मेरे जिस्म पर जख्मों की गुलकारियां की हैं वो बहुत मजबूर इंसान थे। कलंदर ने अपने तकलीफदेह माजी को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं उन मजबूर इंसानों से अपने जख्मों का क्या हिसाब तलब करूंगा, वो तो किसी और के इशारे पर मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मैं तो उन लोगों को भी माफ करता हूं जो मुकम्मल बा इख्तियार थे, अब किसी की तरफ मेरा कोई हिसाब नहीं। फिर इंसाफ किस तरह होगा, शाहजहां ने बड़े कर्ब के आलम में पूछा। तेरे बाप ने मेरी तरफ से चश्मपोशी कर ली थी, कलंदर ने कहा। मुझे दोबारा नूर जहां के कहने पर गिरफ्तार किया गया। वो मुझसे हिंदुस्तान की हुकूमत खरीदना चाहती थी, मगर उस नादान औरत को क्या मालूम कि मुबारक शाह तो खुद किसी के दर का भिखारी है। जिसे एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वो किसी के हाथ हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हुकूमत किस तरह फरोख्त कर सकता है। बस मेरी खामोशी ने उस औरत को तशद्दुद पर उकसाया। वो चाहती थी कि मैं उसके शोहर को सजदा कर लूं और हिंदुस्तान की हुकूमत उसके दामाद शहरयार के हाथ बेच दूं। उसने एक भिखारी को बहुत गलत समझा, हुकूमत तो सिर्फ तेरा मुकद्दर थी, भला एक हकीर इंसान खुदाई फैसलों में किस तरह मुदाखलत कर सकता है। अगर सारी कायनात मिलकर भी कोशिश करें तो नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस ईजा रसानी के सिलसिले में मलिका नूर जहां से जवाब तलब कर सकता हूं, शाहजहां ने पुरजोश लहजे में कहा। आपके जिस्म पर ये जख्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। वो एक रिश्ते से तेरी माँ भी है शाहजहां, कलंदर ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। माँ का एहतराम कर, जहां तक मेरा सवाल है तो मैं एक बेवा और मजबूर औरत से क्या हिसाब तलब करूंगा, वो तो खुद बेचारी बयक वक्त कई अजाबों में मुब्तला है। ये कहकर कलंदर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे जख्मों की फिक्र ना कर शाहजहां, अगर इन जख्मों से अंधेरी रात में कोई धुंधला चराग भी जल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे जिस्मो जां का सरमाया किसी के काम आ गया। भूल जा गुजरी बातों को, मुस्तकबिल की तरफ देख के तुझे क्या करना है। ये अमानत जो तुझे सौंपी गई है शीशे से भी ज्यादा नाजुक है, अगर तेरी बेपरवाही से इसे जरा सी भी ठेस लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शाहजहां हैरत से मुबारक शाह की तरफ देखने लगा। जो चले गए सो चले गए, उनका ख्याल छोड़ दे, कलंदर ने कहा। जो जिंदा हैं उन्हें दर्दनाक मौत से बचाने की कोशिश कर, खुदा ने तुझे ताकत देकर नई आजमाइश में डाल दिया है। यह आजमाइश बहुत सख्त है, अनकरीब तुझसे भी हिसाब तलब किया जाएगा। कलंदर की बातें सुनकर शाहजहां कांप गया, फिर बहुत आजजी के साथ कहने लगा, बाबा मैंने ताजपोशी के दिन आपको बहुत तलाश किया, मगर मुझे क्या पता था कि आप शाही महल के एक तहखाने में कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे ही अजीजों के हाथों आपको ये आजार उठाना पड़े। मैंने तेरे सारे अजीजों को माफ कर दिया, खुदा भी उन्हें माफ कर दे, मुबारक शाह ने इंतहाई शगुफ्ता लहजे में कहा। माजी की यादों को अपने जहन से खुरच दे शाहजहां, गुजरी हुई बातों में अब कुछ नहीं रखा है। बाबा मेरी ख्वाहिश है कि आप एक बार दरबार में जरूर तशरीफ लाएं, शाहजहां ने रुक रुक कर कहा। वो डरता था कि कहीं कलंदर इनकार ना कर दे, और फिर ऐसा ही हुआ। मुबारक शाह ने फौरी तौर पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। मुझे दरबारे शाही से क्या निस्बत है, मगर तेरी खातिर एक दिन जरूर आऊंगा। आप अभी क्यों नहीं चलते, शाहजहां ने आजजी के साथ कहा। मुझे यह एजाज बख्शने में आपको तामुल क्यों है। अभी वक्त नहीं आया है, मुबारक शाह ने मुबहम अंदाज में कहा। शाहजहां इस राज को समझने से कासिर था कि वो खास वक्त कब आएगा। फिर शाहजहां ने उस ख्वाहिश का इजहार किया
कि वो कलंदर की झोंपड़ी को पुख्ता मकान में तब्दील कर दे। मुबारक शाह के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट उभर आई। कैसी नादानी की बातें करता है शाहजहां, हम खानमा बर्बादों को पुख्ता मकानों से क्या गरज, चार तकियों का यह आशियाना भी बहुत है, किसी दिन तेज हवा चलेगी तो यह भी बिखर जाएगा। शाहजहां ने बहुत इसरार किया मगर कलंदर ने ना कोई नजर कबूल की, ना अपनी झोंपड़ी को पुख्ता बनवाने पर आमादा हुआ और ना महल के किसी गोशे में रिहाइश पसंद की। बस कैद खाने से निकला और शाहजहां को दुआएं देता हुआ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार की तरफ चला गया। शाहजहां ने तख्त नशीन होते ही अपने बाप दादा की बरसों पुरानी रस्म सजदा को खत्म कर दिया। अहले दरबार, ये काफिराना रस्म थी जिसे आज मैं हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ, शाहजहां ने पुरजलाल अंदाज में अपने उमरा को मुखातिब करते हुए कहा। सजदा सिर्फ खालिक हकीकी के लिए जायज है। शाहजहां के उस ऐलान के बाद महाबत खान ने इंतहाई अदब के साथ कहा, शाहवाला ये एक सजदा ताजीमी है, इस सजदे को नमाज के सजदे से मुमासलत नहीं दी जा सकती। जो सजदा भी नमाज के सजदे से मुमासलत रखता है मैं उसे हराम समझता हूँ, शाहजहां के लहजे में बड़ा जलाल था। महाबत खान खामोश हो गया। मैं तो चाहता हूं कि बादशाह के लिए भी इसी सलाम को रवा रखा जाए जिसे हमारे मजहब में एक आम मुसलमान के लिए जायज करार दिया है, शाहजहां ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। उस मौके पर महाबत खान खामोश ना रह सका। बादशाह और आम इंसानों में एक नुमाया फर्क रखना जरूरी है। दूसरे दरबारी भी महाबत खान की राय से मुत्तफिक थे। फिर सजदे की बजाय जमीन बोसी की रस्म कायम की गई। रस्म सजदा और जमीन बोसी में बहुत कम फर्क था। दरबार में सजदे का तरीका यह था कि बादशाह को सलाम पेश करने वाला घुटनों के बल झुककर अपनी पेशानी जमीन पर रख देता था। नमाज का सजदा भी इसी तरह अदा किया जाता है। इसके बरक्स जमीन बोसी का तरीका यह था कि सलाम करने वाला निस्फ कद तक झुक जाता था और फिर जमीन छूकर दोनों हाथों को अपनी पेशानी तक ले जाता था। कुछ दिन बाद शाहजहां को ख्याल आया कि अकबर और जहांगीर की कायम करदा रस्म सजदा और जमीन बोसी की रस्म में बराए नाम फर्क है। शाहजहां को अपने दिलो दिमाग पर एक अजीब से दबाव का एहसास हुआ। शाहजहां, एक मुसलमान हुक्मरान के लिए ये बात जायज नहीं कि वो खुदा के बंदों को अपने सामने इस तरह झुकाए, ये खुला हुआ गैर शरई अमल है। इस रस्म से इंतहाई गरूर तकबर का मुजाहरा होता है, शाहजहां ने एक रात तन्हाई के आलम में अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा। और फिर दूसरे दिन उसने जमीन बोसी की रस्म को भी खत्म कर दिया। इस रस्म से भी काफिराना रविश का इजहार होता है, शाहजहां ने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए बा आवाज बुलंद कहा। जमीन बोसी की रस्म को खत्म करने के बाद शाहजहां ने चहार तस्लीम की रस्म राइज की। इस रस्म के मुताबिक एक दरबारी को नीम खम होकर चार बार सलाम करना पड़ता था। सूफिया और उलमा उस रस्म के पाबंद नहीं थे, वो लोग एक आम मुसलमान की तरह बादशाह को भी इस्लामी तरीके से सलाम करते थे। जब सजदे की रस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई तो एक दिन मुबारक शाह कलंदर दरबारे शाही में पहुंचा। कलंदर के जाहो जलाल का ये आलम था कि हर दरबारी अपनी जगह साकित नजर आ रहा था। खुद शाहजहां की ये कैफियत थी कि उसने तख्त से नीचे उतरकर मुबारक शाह कलंदर का इस्तकबाल किया। मुबारक शाह ने चांदी का एक रुपया बतौर नजर शाहजहां को पेश किया। फरमा रवाए हिंद कलंदर के उस अमल से बहुत खुश नजर आ रहा था। मुबारक है ये दिन जब आप दरबार में तशरीफ लाए और अल्लाह के इस हकीर बंदे शाहजहां को सरफराज किया। कलंदर तख्त के नीचे खड़ा रहा और फिर अचानक अहले दरबार से मुखातिब हुआ। ऐ लोगो, खुदा ने हर इंसान को माँ के पेट से आज़ाद पैदा किया है, फिर किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो अपने ही हम जिन्स की गर्दन में गुलामी का तोक डाल दे। अजल से अल्लाह का यही मिजाज है कि अल्लाह पस्त को बुलंद कर देता है और बुलंदी के गरूर में मुबतला रहने वालों को खाक में मिला देता है। तुमने अल्लाह की जमीन को गौर से नहीं देखा कि वहां कैसे कैसे जोरावरों की कब्रें बनी हुई हैं? ये वो लोग थे कि जिनके नकारों से फिजाएं गूंजती थी, मगर आज उनके मकबरों पर जाकर देखो तो वे रानियों के सिवा कुछ नहीं, तन्हाई मरसिए पड़ रही है और बेचारगी मातम कर रही है। जर्क बर्क लिबासों में मलबूस और इत्र की खुशबू में बसे हुए जिस्म गलकर खाक हो गए और हशरातुल अर्ज ने उनकी हड्डियों तक को चाट लिया। तुम भी उन्हीं की तरह इंसान हो और एक दिन मौत के दराज हाथ तुम्हें भी खा जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हें दो गज जमीन के हवाले कर दिया जाए, अपनी हकीकत को समझो और खुदा की जमीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। बंदगाने खुदा के हकूक को पहचानो और ताकत के नशे में
बेगुनाह इंसानों का खून बहाने से गुरेज करो। दरबार शाही पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। कलंदर की जबान शमशीर बेनियाम की मानी थी। ये वही मर्द मोमिन था जिसने जहांगीर को सजदा करने से इनकार कर दिया था, और कलंदर ही की शख्सियत से मुतासिर होकर शाहजहां ने यह काफिराना रस्म खत्म कर दी थी। ऐ लोगो, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। अगर खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो हमेशा आफियत के साए में रहोगे और तुम्हारा वकार बुलंद होगा। अगर तुमने अपने नफ्स की इताअत की तो खुदा बेनियाज है, वो किसी दूसरे जाबिर को तुम पर मुसल्लत कर देगा। इन लम्हात को गनीमत जानो कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बादशाह मौजूद है जो अपने खुदा से डरता है। ये कहकर मुबारक शाह कलंदर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसने शाहजहां से मुखातिब होकर कहा, मैं शहजादा औरंगजेब से मिलना चाहता हूं, उसे देखे हुए कई साल हो गए हैं। शाहजहां और दूसरे दरबारियों को हैरत थी कि मुबारक शाह कलंदर औरंगजेब पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं। कुछ देर बाद औरंगजेब दरबार में आया तो नौ उम्र शहजादा अपनी उस तलबी पर हैरान था। बाबा मुबारक शाह तुमसे मिलना चाहते हैं शहजादे। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कलंदर की तरफ इशारा किया। औरंगजेब ने हैरत ज़दा होकर उस बूढ़े की जानिब देखा जो अपनी वजाकता से एक आम इंसान नजर आता था। आप कौन हैं बाबा? औरंगजेब चंद कदम आगे बढ़ा और मुबारक शाह की आंखों में झांकते हुए बोला। यकायक औरंगजेब को महसूस हुआ जैसे उसके पूरे बदन में आग की एक लहर सी दौड़ गई है। शहजादे ने घबराकर आंखें झुका ली। आपको मुझसे क्या काम है? औरंगजेब की आवाज़ बहुत मध्यम थी। एक मुझे ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को तुझसे काम है। मुबारक शाह कलंदर आगे बढ़ा और उसने शहजादे औरंगजेब की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, तू तो वो है जिसका सदियों से इंतजार हो रहा था। तेरी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई थी। कभी तो यूं महसूस होता था जैसे तू नहीं आएगा और ये जमीन अपने मसीहा को पुकारते पुकारते एक दिन मौत के मुंह का निवाला बन जाएगी। शहजादा औरंगजेब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मुबारक शाह कलंदर इंतहाई वारफ्तगी के आलम में बोले जा रहा था, अब तू आ गया है शहजादे, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं सुकून के साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। शहजादा औरंगजेब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। औरंगजेब हैरानो परेशान खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक आम से बूढ़े शख्स की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब मुबारक शाह कलंदर ने औरंगजेब की पेशानी पर अपने होंठ रखे थे तो उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी पेशानी जल उठी हो। कलंदर ने आखिरी बार शाहजहां की तरफ देखा। मेरे शहजादे का ख्याल रखना, ये कहकर कलंदर जाने के लिए मुड़ा। चंद कदम चलकर वो दोबारा पलटा और शाहजहां से मुखातिब होकर बोला, अब तेरा दरबार इस काबिल हो गया है कि इसमें कोई इंसान कदम रख सके। तूने रस्म सजदा खत्म करके अपने आप को हलाकत से बचा लिया। सजदा तो बस उसी के लिए है जो अपनी जात में तन्हा है। इतना कहकर कलंदर जाने लगा। अहले दरबार ने पूरे होशो हवास के साथ सुना। कलंदर ने दरबार से जाते वक्त वही नारा बुलंद किया जो उसका मामूल था। उस नारे को अक्सर फतेहपुर सैकरी के रहने वाले आधी रात के वक्त सुना करते थे। रहे सदा नाम अल्लाह का।